हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एडवोकेट लक्की आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल डागर लीगल एडवाइज। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे अगर पुलिस एफआईआर से मुलजिम का नाम निकाल देती है तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार आप उस मुलजिम का नाम एफआईआर में ऐड कराओगे और किस प्रकार उस पर कार्रवाई कराओगे, वो आज आपको मैं बताऊँगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले, अगर आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर नए हो तो आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपको कानून की नॉलेज हो सके। जी हाँ दोस्तों, किसी भी केस में इन्वेस्टिगेशन करने का काम पुलिस का होता है। जी हाँ दोस्तों, और आपको लगता है कि फला व्यक्ति इसमें मुलजिम था और उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, बल्कि उस मुलजिम का नाम एफआईआर से निकाल दिया गया है। और दोस्तों आपको लगता है जैसे दूसरे मुलजिमों पर कार्रवाई की जा रही है उसी प्रकार उस मुलजिम पर भी कार्रवाई की जाए, तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों अपने एडवोकेट, अपने वकील के द्वारा एक एप्लीकेशन टाइप करानी है और आपको वो एप्लीकेशन एसपी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लिए करानी है। आपको एसपी के यहाँ पर एक एप्लीकेशन देनी है दोस्तों, जिसमें दोस्तों आपको उस व्यक्ति जो मुलजिम था जिसका नाम एफआईआर से हटा दिया गया है उसकी पूरी डिटेल उसमें आपको मेंशन करनी है। आपको बताना है कि सर जो व्यक्ति था, जो मुलजिम था, वो ये व्यक्ति भी था, फला व्यक्ति भी इस केस में मुलजिम था और उसके खिलाफ कोई किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो दोस्तों इसके लिए आपको जो एप्लीकेशन देनी है वो एसपी के यहाँ पर देनी है। जी हाँ दोस्तों, तो इसलिए दोस्तों आप उसमें कह सकते हो कि जो आईओ था वो इसमें से हटा दिया गया है सर, इसलिए मेरे केस की पुनः जाँच की जाए, मेरे केस पर जाँच बिठाई जाए सर, और इसमें जो आईओ है उसको भी चेंज किया जाए। तो आईओ को चेंज करने की पावर एसपी को है। जी हाँ, एसपी आईओ को चेंज कर सकते हैं और आपके केस में पुनः जांच करा सकते हैं। दोस्तों ये तो हुई अगर आप एसपी को एप्लीकेशन देके अपना केस मजबूत बनाना चाहते हैं उस व्यक्ति पर जो मुलजिम था, उस पर उसका नाम दोबारा एफआईआर में या फिर अपने केस में मेंशन कराना चाहते हो और उस पर दोबारा जाँच करवाना चाहते हो, तो ये तो हुई एसपी के यहाँ पर एप्लीकेशन देने के बाद जो जाँच होगी वो हुआ। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो लीगल जो दूसरा तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सर दोस्तों, आम आदमी जो होता है, आम व्यक्ति जो होता है, उसको नहीं पता होता कि मेरे केस में क्या चल रहा है, आईओ द्वारा इन्वेस्टिगेशन किस प्रकार से की जा रही है, किस मुलजिम का नाम अभी तक केस में है और किस मुलजिम का नाम एफआईआर से हटा दिया गया है। लेकिन दोस्तों आईओ द्वारा जब एक उसका जो पीरियड होता है, जो टाइम होता है चालान सबमिट कराने का कोर्ट में, उस टाइम को कंप्लीट होने के बाद में जब वो सरकारी वकील के द्वारा उस चालान को कोर्ट में जमा कराता है, तो दोस्तों उस समय आप सरकारी वकील से जाकर मिल सकते हो या फिर खुद जो अपना जो प्राइवेट एडवोकेट आप हायर करते हो, जो आप अपना प्राइवेट वकील करते हो, उसके द्वारा भी सरकारी वकील से कहला सकते हो कि इस केस में सर जो दूसरा एक और मुलजिम था जिसका नाम आईओ द्वारा हटा दिया गया है, आप उस पर भी कार्रवाई करवाना चाहते हो जैसे कि इन दूसरे अन्य मुलजिमों पर कार्रवाई की जा रही है। तो दोस्तों इसके लिए सरकारी जो वकील होता है उसको एक एप्लीकेशन देनी होती है, 319 सीआरपीसी की एक एप्लीकेशन कोर्ट में देकर के उस व्यक्ति को भी आप मुलजिम बना सकते हो कोर्ट में और उसको भी कोर्ट में बुला सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स के द्वारा हमें बता सकते हो जिस प्रकार की आपकी एडवाइस की आपको आवश्यकता है, हम आपकी हेल्प करेंगे जितना हो सकता है। थैंक यू दोस्तों।